गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हाउ आर यू स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट पाइनियल ग्लैंड स्टूडेंट पाइनियल ग्लैंड इज रेड इज ग्रे एंड अबाउट द साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस इन ह्यूमन जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो पाइनल ग्लैंड है और ये रेड इज ग्रे इन कलर एंड ये लाइक पी पी जो साइज होता है पी का उसी उतना ही साइज इस पीनियल ग्लैंड का होता है. कई बार इसको ग्रेन ऑफ राइस की तरह भी मेजर कर लिया जाता है या फिर ग्रेन ऑफ पी. ओके लोकेशन इसके डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन फोरब्रेन के डोर्सल साइड में हमारी ये पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. दिस वन इज द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का अनदर नेम होता है एपिथैलेमस. क्लियर ओके एंड दिस ग्लैंड सिक्रीट ए हार्मोन दैट इज मेलाटोनिन एंड मेलाटोनिन कंटेन मेलिन पिगमेंट दैट हेल्प आल्सो इन द स्किन कलरेशन and it affects the modulation of sleep pattern in cardiac and rhythmic and seasonal function. ये हमारे sleep clock function को भी बताती है. sleep clock function में जैसे आप 24 hours में जैसे आप 8 hours सोते हैं तो next day same उसी time आपको फिर से sleeping के automatic mood हो जाता है. तो उसके पीछे reason क्या होता है? melatonin. ठीक है एंड इट हेल्प इन द मेंटेनिंग द बॉडी. क्लियर स्टूडेंट स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस अबाउट द थायराइड ग्लैंड. लोकेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड इज ए स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज. स्टूडेंट जैसे कि ये हमारा लेरेनेक्स बॉक्स है इसके जस्ट नीचे इसके बेस पर ये हमारी बटरफ्लाई शेप में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ठीक है हम इस इन्होंने यहाँ पे बोला है थायराइड कार्टिलेज क्योंकि जो लेरेनेक्स है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है. तो और यहाँ नीचे कार्टिलेज के बेस पर ही हमारे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ठीक है एंड स्टूडेंट ये इसके टू लोब स्ट्रक्चर है. दिस वन इज द वन लोब एंड दिस वन इज द सेकेंड लोब और ये आपस में ये ज्वाइन करते हैं. इस ज्वाइनिंग पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस. इस ज्वाइनिंग पॉइंट को बोलते हैं इस्थमस. क्लियर ओके कंपोजिशन यही सेम बता रहा है. इट इज कंपोज ऑफ द टू लोब लोकेटेड ऑन द आइदर साइड एंड ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ द इस्थमस. थायराइड ग्लैंड इज कम्पोज ऑफ फोलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू. जो थायराइड ग्लैंड है हमारी वहाँ पे नंबर ऑफ ये फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम थायराइड फोलिकल सेल्स बोलते हैं और स्ट्रोमल टिश्यू. ठीक है इस थायराइड फोलिकल्स इज कम्पोज ऑफ द फोलिकुलर सेल एंड इनक्लोज ए कैविटी. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे ये स्ट्रोमल है इनका ये इसकी बैक साइड दिखा रखी है और बैक साइड में ये पैराथायराइड्स. हर एक लॉब में दो पैराथायराइड्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है. ठीक है तो यहाँ पे जो इसके जो फ्रंटल पार्ट है वहाँ पे आप इस तरह से इसके ये पार्टीशन देखते हो. ये स्ट्रोमल टिश्यू के होते हैं और इनके अंदर यहाँ पर ये फॉलिकल सेल प्रेजेंट होती है. फॉलिकल सेल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के इस तरह से डायग्राम में बनी होती है. क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्यूबॉइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है
ओके, इस थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड इंक्लोज इन ए कैविटी, एंड यहाँ पे बहुत सारे थायराइड हार्मोन्स भी होते हैं जिसमें T3 एंड T4 हम काउंट करते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिकल रेट, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट में हमारे दो फॉर्म आती है, एक तो कैटाबॉलिक एंड सेकेंड इज द एनाबॉलिक। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का, जैसे ग्लूकेगन है कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोस। ठीक है, अब ग्लूकेगन ब्रेक डाउन होके ग्लूकोस में बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अब ग्लूकेगन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये कैटाबॉलिक पाथवे शो कर रहा है, और ग्लूकोस बन रहा है तो ये एनाबॉलिक पाथवे शो करेगा। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है एंड कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। इनका भी मेटाबॉलिज्म रेट को ये बैलेंस करके रखता है एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। ठीक है, थायराइड हार्मोन है इनके डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे कंडीशन कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। अगर बॉडी के अंदर थायराइड का प्रोडक्शन कम हो जाए तो ये सिंपल गोइटर की फॉर्म में आ जाता है, जिसको ये जो हमारी कार्टिलेज, जो लैरिनेक्स में कार्टिलेज ग्लैंड प्रेजेंट है, ये क्या करती है, अपने एबनॉर्मेलिटी शो करती है और उनका साइज बढ़ जाता है, जिससे कि ये गोइटर इस तरह से आउटर साइड में आपको नजर आता है। ठीक है, और इन केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें क्या होता है, कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस आ जाती है और ये प्रोट्रूडिंग आइज हो जाती हैं। प्रोट्रूडिंग आइज में क्या होता है कि जैसे कि आइज बॉडी से बाहर आ गई। ठीक है, और जो बेबीज होते हैं उनके मेंटल रिटार्डनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट? एंड इन केस ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स देयर आर द लोकेशन, ये लोकेशन इसके बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे कैरिकॉइड कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती हैं। एंड यहाँ पे क्या है, टू पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द आउटर लिप। पैराथायराइड्स जो ग्लैंड्स हैं वो पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसको पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं, PTH। एंड द सिक्रेशन ऑफ PTH इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन को क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। एंड इसका फंक्शन भी यही है कि ये रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन्स को। एक हमारी बॉडी के अंदर जैसे थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे फोलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, वहाँ उसके साथ साथ में एक डॉट 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 लाइक स्टक यहाँ पे सेल्स भी प्रेजेंट होती है और इन सेल्स को सी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और सी सेल्स क्या करती हैं, कैल्सीटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जिससे क्या होता है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो कैल्सीटोनिन क्या करता है, उस लेवल को कम कर देता है। तो कैल्सीटोनिन थायरॉयड का हार्मोन है और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का हार्मोन है, तो दोनों मिलकर हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, और जो थायराइड के हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को हम बोलते हैं T3 एंड T4। ठीक है, T3 आयोडीन के लेवल में ट्राई आयोडो थायरोक्सिन से बना हुआ है, थायरोनाइन से, एंड टेट्राफोर में 4 आयोडीन मीन्स टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन से मिलकर बना होता है। हमारी बॉडी में T3 का लेवल ज़्यादा होता है और यही सबसे ज़्यादा एक्टिवेट फॉर्म में होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी और एक्टिव रोल T3 करता है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।